हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो रेगुलरली हमारे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज मैं उन्हीं के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। उन्होंने मुझसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो आज मैं उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पे ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यानी अपने घर से ही बना सकते हैं और अपने घर से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने पूछा कमेंट बॉक्स में पिकल के बारे में, यानी अचार के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि सर, अचार का एक्सपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं उनको बताना चाहता हूं और आप सब लोगों को साथ साथ बताना चाहता हूं, बिल्कुल होता है। अचार का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत अच्छा होता है और सबसे ज़्यादा फायदा इसका आपको ये होगा कि आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। और जिन लोगों को अचार बनाना नहीं आता, वो बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन एक ज़रिया है सीखने का, नहीं तो घर में महिलाएं होती हैं, भाभी होती हैं, माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, जो अचार रेगुलरली बनाती हैं अपने हाथों से, तो आपको इसकी कोई ज़्यादा रेसिपी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, आप घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी, यानी आपको कोई प्लांट नहीं डालना, कोई इतनी बड़ी जगह नहीं लेनी, कोई मशीनरी नहीं डालनी, कोई लेबर नहीं अरेंज करना। आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। घर में जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, जैसे अपने घर के लिए अचार बनाती हैं, वैसे ही आप घर अपने लिए अचार बना रहे हैं, अगर आगे इसको सेल करने के लिए भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे आप खुद सोचिए, कनाडा, यूएस, थाईलैंड, कितने ही ऐसे देश हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट है, लाउंजेस है, बार है, फाइव स्टार होटल्स हैं, फूड के साथ अचार तो चाहिए। ऐसे देश जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हैं, अचार तो चाहिए। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियंस का ही शौक है अचार, और भी देश हैं, और भी देश के उन देशवासी हैं जो अचार खाते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप इस ट्रेड का, इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं। करिए, शुरू काम करिए, जल्दी से जल्दी करिए और क्वेश्चन हमसे रेगुलरली पूछते चलिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से सबसे ज्यादा देश इस अचार को इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, यानी किन किन देशों में अचार को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो देश थे जिनमें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अचार। अब सबसे ज्यादा अचार कौन से हैं जिनकी डिमांड रहती है? आम का अचार, गाजर का अचार, नींबू का अचार और मिर्च का अचार। ये चार अचार सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अब चिकन और मटन के भी अचार बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रहे हैं। अगर आप इन पे फोकस करते हैं और इन अचारों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा मार्जिन ले सकते हैं, एक बहुत अच्छी मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस इन अचारों में आपको कंपटीशन कम मिलेगा, जिसका एडवांटेज आप उठा सकते हैं, यानी आपको बहुत अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेशन रेगुलर लाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा आपको। तब तक के लिए गुड डे।